हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई आज मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जा रहा हूँ अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने थाने में, और नांदोती थाना लगता है हमारा करौली ज़िले में, और देता हूँ क्या क्या प्रोसेस करवाते हैं वो। कल भी गया था मैं, लेकिन कल तो मुझे क्या है डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट नहीं थे, इसलिए मैं दोबारा आ गया। आज मैं फिर से जा रहा हूँ और वो बताएंगे मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो चलता हूँ मैं सीधे थाने की तरफ और बताता हूँ आपको। भाई नांदोती थाने में आ गया हूँ। हमारा थाना क्या है, नांदोती थाने लगाया है। यहाँ पर SSO से साइन करवाने के लिए आ गया हूँ मैं। अभी CI साहब क्या है, थोड़ा सा बाहर गए हुए महावीर जी की तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा उनका वेट कर रहा हूँ। मैं कल आया था, कल उन्होंने बताया था कि भाई हम तो यहाँ से साइन कर देंगे, लेकिन SDM जो है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के साइन नहीं करने वाला। तो इसलिए मैंने कल अप्लाई किया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसका वो मुझे मेरे पास उन्होंने मित्र वाले ने पर्ची दे दी, उसको मैं जमा करवाने के लिए आज आया हूँ। यहाँ पर जमा करवाऊँगा और CI साहब देखते हैं क्या बोलते हैं, वो साइन करते हैं कि नहीं करते, वो आएंगे तभी पता चलेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, 1-2 दिन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करा के, और 2-3 दिन में बन जाएगा पूरी पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद SDM के साइन करवा लूँगा। अब देखते हैं CI साहब आएंगे जब क्या बोलते हैं वो। एक बार मैं बता देता हूँ हमारा थाना है का। ये देखिए सामने ही नांदोती थाना थाना है, और ये बाहर का एरिया है यहाँ का। ये गंगापुर सिटी वाली रोड है। तो भाई CI साहब आएंगे जब, बताऊंगा मैं जो भी प्रोसेस होगी, वो क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है मुझे भी सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। धीरे धीरे जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो सब कुछ पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखते हैं अब आएंगे CI साहब थोड़ी देर में, जब मैं बताऊंगा पूरी डिटेल। नांदोती में मैं थाने में जाकर CI से मिल के आ गया वहाँ पर। और वहाँ पर क्या, उन्होंने बताया था कि भाई 2 गवाह के साइन करवा के लेके आओ, सरपंच से लिखवा के लेके आओ भी कि भाई आपका चरित्र अच्छा है कि कैसा है। तो भाई हम 2 गवाह करवा रहे हैं। एक गवाह एरिया हमारा निर्देश कुमार मीना, और एक गवाह एरिया ये उनका बड़ा भाई है। तो दोनों भाइयों के गवाह करवा के फिर मैं उनके आधार कार्ड, इनका आधार कार्ड अटैच में लगेगा साथ में, और इनकी गवाह की ये जो ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा ऐसा गवाह का ऐसे लिखवाना खाली पेज पर, और इनका आधार कार्ड, और इनका जो बिल्कुल वही एड्रेस जिसमें सेम एड्रेस है वो ना अपना खुद का गाँव का, बस वही एड्रेस इनके आधार कार्ड में होना चाहिए। और सरपंच के साइन करवा के और फिर ले जाना है उनकी मोहर लगवा के। हाँ फिर नांदोती जाके वहाँ पर मतलब अपनी जो थाना है उसमें जाकर वहाँ पर फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन अपना बना देंगे। वो 2-3 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद मैं SDM साइन करेगा। आगे जो भी प्रोसेस है मैं बताऊंगा। देखते हैं चलता हूँ मैं अभी सरपंच साहब के साथ पास जाऊँगा, फिर करवाऊंगा इसके साइन, उसके बाद चलते हैं थाने की तरफ। भाई हमारे सरपंच साहब जी का निवास है, और हमने लेटर पैड पर लिखवा लिया उन पे से। देखो पीछे लिख रखा सरपंच निवास, और लेटर पैड पर साइन करवा के मोहर लगवा लिए, और फोटो पर भी मोहर लगवा लिए। उन्होंने लिख दिया कि मतलब चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने भी चरित्र अच्छा इनका, और जो भी लिख लिया उन्होंने पूरा। अब जाते हैं थाने की तरफ और CI से देखते हैं, बात करते हैं उनसे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करवाऊंगा मैं। चलते हैं थाने की तरफ। भाई थाने में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए मैंने, और ये पीछे रहा थाना हमारा, और CI साहब के कल साइन होंगे। वो अपना जो वो है ना पुलिस वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन कल तक बन जाएगा शाम तक, 1-2 दिन का प्रोसेस है। 1 दिन तो मैंने वो ऑनलाइन बुक करवाया था, और उसके बाद मैं आज डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। कल शाम तक बोल रहे थे कल शाम तक मिल जाएगा, फिर परसों मैं यहाँ पर आकर CI साहब के साइन करवा लूँगा, उसके बाद SDM कर देंगे। और तब तक 3-4 दिन का प्रोसेस है, कंप्लीट करने के बाद में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, और मैं बताता हूँ आगे जो भी प्रोसेस होगी। तो भाई फाइनली घर पर आ चुका हूँ। कागज़ वागज थाने में जमा करा के, वो सरपंच के साइन वगैरह करवा के, 2 गवाह के करवा के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं जमा करवाया हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने थाने में जमा करवा दिए वहाँ पर, और कल मुझे क्या है शाम तक वो मिल जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद मैं परसों SDM के साइन करवा के फिर मेरा जो है काम कम्प्लीट हो जाएगा। यानी 2-3 दिन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने के बाद में अपना जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारे घर में एक सबसे बुज़ुर्ग मेरे दादाजी है, इसको हम भाई बोलते हैं, भाई बुलाते हैं। जैसे अपने घर में नहीं होते कि कभी कभी किसी किसी घर में पापा को काका बुलाते हैं, किसी को भाई बोलते हैं, ऐसे ही हमारे दादाजी है, इसको हम भाई बुलाते हैं। भाई भाई इधर देखियो क्या कर रहा तू, क्या कर रहा हूं बैठे हो? हैं भैया कुट्टी करी है, कुट्टी कर ली सर से, उसे कट गई का अपनी कट गई सर जो गेहूं किसे हो रहा है, गेहूं दे गया यार रही है, कब कटेगा? अब 4-8 दिन बाद कर भाई, नौकरी लग गई मेरी मांगी हैं इधर, एक तू देख वहां मां देख वहां यार, नहीं फाइन हैं लगे नौकरी 20 का नौकरी, अब इसको लगे नौकरी कब लगेगी, तो यार कम हैं 5 लगेगी अभी, कब लगेगी लग जाएगा आने आने। भाई लग गई अब तो लग गई, जो तो रंग का काम जो तो रंग काम
भाई ये प्योर किसान आदमी है, इसलिए बिल्कुल उनको क्या खेती बाड़ी के बारे में अंदाज रहता है हमेशा। बस ये ऐसे बात करते रहते हैं, कुमाई फसल खेती बाड़ी, सरसों काट लो, गेहूँ काट लो, बस यही लगते रहते हैं। तो भाई देखते हैं, और मैं प्रोसेस आगे की जो भी मेरा कागजात जो भी मैं बनाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाएगा मेरे कागज, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, क्या क्या कौन कौन सा जो कहाँ कहाँ साइन करवा थे, कितने गवाह चाहिए थे, वो सब कुछ मैंने आपने थोड़ा बहुत तो कुछ तो आप आपको पता चल गया होगा, और जो भी प्रोसेस है मैं पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं जाऊंगा थाने में तो मैं बताऊंगा देखो क्या कल क्या क्या प्रोसेस होता है, जो भी बैंक अकाउंट में भी बैंक में भी मैं जाऊंगा, आज तो क्या साइड नहीं चल रही थी बैंक की इसलिए मैंने अकाउंट नहीं खुलवाया, कल मैं जाऊंगा बैंक अकाउंट में उसके बाद उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो इसलिए भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।